प्रैक्टिकल एग्जाम कब से स्टार्ट होने के चांस है कब तक कॉलेज प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेंगे और आपको कैसे करके इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सो आप लोगों को क्या करना है हर बार की तरह वीडियो में अंत तक बनाने चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं So, हमारे आसाम यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले एक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि टीडीसी के जो ऑर्सेम के एग्जाम्स उसके प्रैक्टिकल एग्जाम जो है लेटेस्ट बाय 15 मार्च 15 मार्च के आसपास एग्जाम लेने के लिए गाइडलाइंस दिए थे सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को और अभी कॉलेज क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेना धीरे धीरे स्टार्ट करें बहुत सारे कॉलेजों के तरफ से प्रैक्टिकल रिगार्डिंग नोटिस धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुकी है सो so, आप अपने कॉलेज के वेबसाइट चेक करते रहना और आपको असाइनमेंट्स भी प्रैक्टिकल एग्जाम में असाइनमेंट्स भी होते हैं असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे और आफ्टर दैट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट किए जाएंगे सो so पहले जैसे असाइनमेंट्स होते हैं असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होगा फिर आपके जो सब्जेक्ट वाइज अगर प्रैक्टिकल है आपके सो प्रैक्टिकल लिए जाएंगे बी एस सी बीकॉम एंड बी के सो बीएससी में तो प्रैक्टिकल होते हैं बीकॉम में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल पेपर्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं सो कॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे सो so आप लोग को असाइनमेंट ऑफिशियल जो आपके कॉलेज के वेबसाइट से वहां से कलेक्ट करना है आफ्टर दैट असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद डेट्स दिए जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी के नोटिस में दिए गए थे लेटेस्ट बाय 15 मार्च सो so, उसी के आसपास आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट किए जाएंगे अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में ऑलरेडी थर्ड और, और फिफ्थ सेम में जो स्टूडेंट्स है उनको आइडिया है और फर्स्ट सेम में जो स्टूडेंट नए आए हो सो आप लोग इस बार फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम जो होंगे वो फेस करोगे सो प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे बी के भी प्रैक्टिकल पेपर्स होते है सो ये ऑलरेडी आपके थर्ड सेम और फिफ्थ सेम स्टूडेंट से अगर जान पहचान में कोई है तो आप कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो क्योंकि उनका ऑलरेडी एक दो साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल का हो चुका है तो गाइडलाइंस तो प्रोवाइड कर देंगे सेम बीकॉम का भी प्रैक्टिकल जो पेपर्स होते हैं उसमें कंप्यूटराइज पेपर्स होते हैं उसके कंप्यूटर में आपके प्रैक्टिकल लिए जाते हैं सो तो आपको प्रैक्टिकल में अटेंड करना पड़ता है उसके मार्किंग्स जो होते हैं कुछ मार्क्स होते हैं सो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको कंप्यूटर के सामने आपको फेस करना पड़ता है सो आपके कॉलेज से ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड कुछ प्रॉब्लम होने से आप अपने अगर सीनियर थर्ड और फिफ्थ में कोई फ्रेंड्स uh, हो या फिर कोई भी आपके सीनियर्स से सो आप उनसे कांटेक्ट करके थोड़ा एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकते हो सो so, आपके कॉलेज के वेबसाइट आप चेक करते रहना उसके थ्रू ही आपके प्रैक्टिकल uh, एग्जामिनेशन के अपडेट आपको नोटिस के थ्रू मिल जाएंगे और जब भी अपडेट्स आएंगे मैं तो चैनल पर शेयर करता रहूंगा सो so, ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए एंड वीडियो अच्छे लगने से वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर अपडेट्स आशा यूनिवर्सिटी रिलेटेड फास्टली अब तक पहुंच सके सो ऐसे आप डिस्के लिए स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहे चैनल के साथ जुड़े रहे और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग मी